मैं बहुत खुश हूँ कि कपिल अपना शो लेकर आ रहा है अभी, उसका अभी अगले हफ्ते ही शो लॉन्च है 23 तारीख को, और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं देखने के लिए, क्योंकि अब उसको भी बड़ी टेंशन रहेगी, क्योंकि कॉमेडी नाइट्स की भी हमारी अच्छी रेटिंग्स आती हैं और लोग देखते भी हैं, और हमें भी बहुत टेंशन रहेगी कि उसका जो शो आ रहा है अभी वो क्या लेकर आता है। इतनी भी राइवलरी नहीं है हम लोगों के बीच में, हम लोग एक दूसरे काम से बहुत खुश होते हैं। और आई थिंक कपिल ने तो फिल्म बाद में की थी, मैंने बोल बच्चन, हाँ ये भले पहली है लेकिन उससे पहले मैं, हाँ मैं कर चुका था, तो खट्टी नहीं होगी, अच्छी बात है। मैं उसको बुलाऊंगा जब इसका प्रीमियर होगा, तो वो आएगा जरूर फिल्म देखने के लिए। उसका जो नया शो आ रहा है उसमें वो फैमिलीज के साथ शो कर रहा है, वो जितने एक्टर्स हैं उन सबकी फैमिली को भी बुला रहा है शो पे, तो मुझे और गोविंदा जी को भी इन्वाइट किया है, तो मैं जाऊंगा, ऐसा नहीं कि उसके शो पे नहीं जाऊंगा मैं। तो अच्छा, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि उसका उसका शो भी चले और मेरा शो भी ज्यादा चले। कहीं ना कहीं कंपैरिजन भी होंगे व्हाट कपिल हैव डन इन हिज लास्ट फिल्म में रिजेक्टेड ऑफ द जी 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 कंपैरिजन, तो कहीं कंपैरिजन भी होगा। कंपैरिजन तो शुरू से उतारा है हम लोगों का, जब से हम लोग कॉमेडी सर्कस करते थे, और अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी हेल्दी फाइट है। मुझे नहीं पता था कि जब वो अपना शो लेकर आएगा कि तो उसी का शो मैं ले लूंगा, तो वहां पर आई थिंक थोड़ी सी बातें खट्टी हो गई। मैं ये नहीं कहूंगा कि बातें खट्टी नहीं है, और हम लोग दोस्त भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं दिल में रह जाता है। लेकिन उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, कलर्स मेरे पास आए थे कि उसने शो छोड़ दिया, उसको करना नहीं है, और हम ऑलरेडी कॉमेडी नाइट्स बचाओ चला रहे थे जो कि बहुत अच्छा चल रहा था।